दोस्तों स्टार प्लस पर प्रसारित हो रहा अनुपमा वर्तमान में दर्शकों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। शो में काफी समय से ही किंजल के मां बनने का ट्रैक दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से महज 24 साल की उम्र में ही निधि शाह प्रेग्नेंट लड़की के रूप में नजर आती है, जिसमें गोद भराई की रस्म में वो अपने बेबी बम्प को भी फ्लॉन्ट करती देखी गई है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, निधि शाह से पहले भी टीवी इंडस्ट्री की कई और अभिनेत्रियां अपने बेबी बम्प को फ्लॉन्ट करते नजर आ चुकी है, जिसमें कई अभिनेत्रियां तो अनमैरिड और बेहद कम उम्र में ही इस अंदाज में नजर आ चुकी है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की करते हैं शुरुआत और जानते हैं उन्हीं अभिनेत्रियों के बारे में। नंबर एक, शिवांगी जोशी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शुमार है अभिनेत्री शिवांगी जोशी का, जिन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा और सीरत की भूमिका निभाई थी, जहाँ इनके दोनों ही किरदारों में इन्हें एक माँ के रूप में देखा गया था, जिसकी वजह से ये भी इस शो में बेबी बम्प के साथ नजर आई थी, जिनके बेबी बम्प में ही काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। नंबर दो, सुम्बुल तौकीर। अभिनेत्री सुम्बुल तौकीर भी इमली सीरियल में इमली के किरदार में अलग अंदाज में नजर आ चुकी है, पर आपको बता दें इन्होंने भी इस शो में महज 19 साल की उम्र में ही एक प्रेग्नेंट लेडी की भूमिका निभाई है। जी हाँ, कुछ समय पहले ही शो में आर्यन और इमली के माता पिता बनने का ट्रैक दिखाया गया था, हालांकि शो में आगे चलकर इनका मिसकैरेज हो गया। नंबर तीन, तेजस्वी प्रकाश। टीवी इंडस्ट्री में हमेशा ही अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए चर्चाओं में शुमार होने वाली अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश ने भी नागिन सीरियल में अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट किया है। जी हाँ, कुछ समय पहले नागिन 6 में हमें प्रथा के रूप में एक बच्चे की माँ के स्वरूप में नजर आई थी, जिसमें उन्होंने भी अपने बेबी बम को फ्लॉन्ट किया था। नंबर चार, आयुषी सिंह। मी सीरियल में नजर आने वाली अभिनेत्री आयुषी सिंह अभी महज 24 साल की है, पर इसके बावजूद इन्होंने भी काफी कम उम्र में ही सीरियल में एक मां की भूमिका निभाते हुए अपने बेबी बम को फ्लॉन्ट किया था, पर इन्हें भी बेबी बम फ्लॉन्ट करते केवल कुछ ही समय देखा गया, क्योंकि उसके बाद इनका मिसकैरेज हो गया था। नंबर पांच, श्रुति झा। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेत्री श्रुति झा का भी शुमार है। बता दें श्रुति झा कुमकुम भाग्य सीरियल में काम करने के दौरान प्रज्ञा के रूप में दो बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, जहां दोनों ही बार इन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और इसी वजह से इन्होंने इस शो में कई बार अपने बेबी बम्प को फ्लॉन्ट किया। नंबर छह, अनीता हसनंदानी। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेत्री अनीता हसनंदानी का भी शुमार है। बता दें अनीता हसनंदानी ने भी यह मोहब्बत सीरियल के दौरान अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट किया था। जी हाँ, बता दें यूं तो इस शो में इन्हें पहले ही दो बच्चों की माँ के रूप में देखा गया था, लेकिन जब इशिता अपने बच्चों को दुनिया में लाने नाकाम रहती है तो इशिता की जगह शगुन उनके बच्चे की सैरोगेट मदर बनती है। नंबर सात, जैस्मिन भसीन। दिल से दिल तक शो में जैस्मिन भसीन ने भी अपने बेबी बम्प को फ्लॉन्ट किया था। बता दे दरअसल जब पार्थ और शौर्वरी माँ बाप नहीं बन पाते तो वो अपने बच्चे को दुनिया में लाने के लिए एक सैरोगेट मदर ढूंढते हैं, जिसमें जैस्मिन टेनी के रूप में उनकी सैरोगेट मदर बनती है, और इसी वजह से इस शो में हमें जैस्मिन भी बेबी बम्प के साथ नजर आई थी। तो दोस्तों, बेबी बम्प के नजर आने वाली इन अभिनेत्रियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।